अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट की 4 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। इनाम बट की बीजिंग के लिए फ्लाइट गुज़श्ता रोज 4 घंटे ताखिर का शिकार हुई। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट के जिनकी 4 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। इनाम बट की बीजिंग के लिए फ्लाइट गुज़श्ता रोज 4 घंटे ताखिर का शिकार हुई। जानेंगे एजाज वसीम बाखरी से। एजाज बाखरी, फ्लाइट लेट होने से इनाम बट को क्या नुकसान हुआ है? जी दैन, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की इंतजामिया को खत लिखा है कि इनाम बट चुके किए गए गलती की वजह से 4 घंटे तासुर से बीजिंग पहुंचे हैं और वो मुकर्रर वक्त तक मंगोलिया नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने दरख्वास्त किया है इंटरनेशनल बॉडी से इनाम बट को मजीद 1 दिन दिया जाए ताकि वो अपना वेट और एंट्री करवा सकें, और अगर इनाम बट वेट और एंट्री नहीं करवा सकते और उनकी इजाजत नहीं मिलती तो वो न सिर्फ ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो जाएंगे बल्कि तुर्की में जो पाकिस्तानी दीगर रेसलर्स ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेना है उसके लिए भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और पाकिस्तानी कोई भी रेसलर रियो ओलंपिक्स में शिरकत नहीं कर सकेगा। इसलिए पाकिस्तान ओलंपिक पाकिस्तान जो रेसलिंग फेडरेशन उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए कि पीआई की गलती की वजह से इनाम बट को 1 दिन मजीद दिया जाए और मोहलत के लिए खत लिख दिया गया है। जी एजाज वसीम बाखरी, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेसलर इनाम बट की 4 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। इनाम बट की बीजिंग के लिए फ्लाइट गुज़श्ता रोज 4 घंटे ताखिर का शिकार हुई है।